नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील खुंगा खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी। ये अभी करंट न्यूज में बहुत चल रहा है। इसमें भारतीय सेना भारतीय युवाओं को 3 साल के लिए सेना में शामिल करेगी और 3 साल की नौकरी के बाद वो अपना मनचाहा करियर किसी भी क्षेत्र में जहाँ वो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो जानेंगे टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। अभी तक जो न्यूज मिली है या अभी तक जितनी भी खबरें मिली हैं उसके हिसाब से इसको एनालिसिस करेंगे कि ये क्या है। चलिए देखते हैं। ये पहला स्लाइड है मेरा, व्हाट इज टूर ऑफ ड्यूटी, कि ये टूर ऑफ ड्यूटी है क्या। यह एक प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत हमारे युवा 3 साल के लिए आर्मी में भर्ती हो सकेंगे। यानी जैसे जो अभी तक रेगुलर जो सर्विस में जाते हैं सोल्जर, उसके साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 3 साल के लिए जो फौज में जाना चाहता है उनको मौका दिया जाएगा। 3 साल जब सेवा ख़त्म होगी उसके बाद वो बाहर सिविल में आके किसी भी क्षेत्र में अपना रोजगार तलाश सकता है या अपना करियर बना सकता है। अब दूसरा सवाल होता है, सेना को इसकी ज़रूरत क्यों है। यानी ये सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ी सेना को कि 3 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाए। देखो, जैसा मीडिया की रिपोर्ट अभी चल रही है या जो ये न्यूज़ लीक हुई थी उसके हिसाब से पता चला है, तो सेना ने बोला है कि इस समय जो है देशभक्ति का माहौल है देश में और भारत के जो युवा हैं वो देश सेवा में तत्पर हैं। यानी वो देश सेवा के लिए फौज में जाने के लिए इच्छुक हैं। दूसरा, कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था उसमें भी ये पता मतलब माना भी गया ये सच्चाई थी कि जिन अधिकारियों या जवानों की सर्विस 3 साल या उससे कम थी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अनुकरणीय प्रदर्शन। यानी उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर करने में पीछे नहीं हटे। तीसरा रीजन ये है, जो रेगुलर सोल्जर फौज में अगर भर्ती होता है कोई, वो अपनी 16 या 20 साल सर्विस करके जब रिटायर होता है तो पेंशन का बोझ भी जो है पिछले कई सालों में रक्षा मंत्रालय पर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पीछे अभी कुछ सालों में 146% तक बढ़ गया है। और ये हमारा जो रक्षा बजट है, डिफेंस बजट, जिसका इस्तेमाल हमें नए इक्विपमेंट खरीदने में या नए हथियार, एरोप्लेन, जो भी चीज़ें हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो हैं उनको खरीदने में इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़्यादातर बजट जो है पेंशन और सैलरी में व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भारतीय सेना ये चाहती है कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है सेना में लागू किया जाए। अब इस प्रस्ताव में क्या है, देखो जैसी रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार प्रारंभिक चरण यानी जब ये स्टार्ट करेंगे तो 100 वैकेंसी ऑफिसर के लिए होंगी और 1000 वैकेंसी होंगी जवानों के लिए, जिसमें इस टूर ऑफ ड्यूटी के लिए चयन किया जाएगा। 3 साल की ड्यूटी होगी कुल, है ना, और उस 3 साल में करीब 1 साल या उससे थोड़ा कम 9 महीने या 1 साल के आसपास ट्रेनिंग भी शामिल है। यानी टोटल ट्रेनिंग मिला के आपको 3 साल फौज में सेवा देनी है। फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडियन आर्मी यानी थल सेना ने प्रपोज किया है। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो हो सकता है ये नेवी और एयरफोर्स में भी लागू किया जाए। फिलहाल ये सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए प्रस्तावित है। अब बहुत से बच्चों का या काफ़ी लोगों का ये सवाल है दिमाग में कि किसको भर्ती किया जाएगा। देखो, जिस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है, बाकी भी इंडियन आर्मी के हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल नरवाने साहब, उनका भी इंटरव्यू आया हुआ है न्यूज में, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। उसके हिसाब से जो यंग लड़के हैं यानी जिनकी उम्र 18-21 या उसके आसपास की जो उम्र है, उन युवाओं को 3 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा ताकि वो 21, 24 या उसके आसपास की जो उम्र है 25-26 तक,
रिटायर करके, मतलब वो अपनी 3 साल की सेवा दे के बाहर सिविल में आए और अपना करियर अन्य क्षेत्रों में तलाश सकते हैं, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो युवा 3 साल भारतीय फौज या भारतीय सेना में रह के आएगा उसमें गजब का डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस होगा, है ना। सेना का एक्सपीरियंस एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, तो वो युवा बाहर आके भी उतना ही बेहतर करेगा जितना वो भारतीय सेना में करके आया है, या उससे भी बेहतर करेगा। क्या 3 साल की भर्ती के बाद अन्य भर्तियां ख़त्म हो जाएंगी, है ना। ये सवाल भी काफ़ी बच्चे फ़ोन पे भी पूछ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं हमारे पास, और वैसे भी एक ये दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या ये 3 साल की भर्ती का सिस्टम आ जाएगा, तो जो रेगुलर भर्तियां होती हैं ARO से या सेंटर में जो रिक्रूटमेंट होता है रिलेशनशिप, वो क्या ख़त्म हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने लिखा हुआ इसमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ एक ट्रायल बेस पे है फ़िलहाल। ट्रायल बेस के साथ साथ इसमें वैकेंसीज बड़ी लिमिटेड हैं, यानी 100 वैकेंसी ऑफिसर के लिए हैं और 1000 वैकेंसी जो है जवानों के लिए। तो जो रेगुलर आर्मी की भर्तियां होती हैं उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, वो नियमित रूप से चलती रहेंगी। दूसरा, अभी इस प्रकार की भर्ती की कोई डेट निश्चित नहीं है, है ना। यानी कई जगह आपने देखा होगा कि 3 साल की भर्ती की बम्पर भर्तियाँ निकल गई या फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है, है ना। बच्चे भी पूछते हैं कि सर उसकी वैकेंसी के फॉर्म निकल गए क्या, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ है। ये जो विचार है अभी ये अंडर प्रोसेस है, यानी विचाराधीन है, इसमें भी टाइम लग सकता है। हो सकता है 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए, उससे भी ज़्यादा भी समय लग सकता है। कितना लगेगा वो जब अथॉरिटीज बताएंगी उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है 3 साल का, ये कई देशों में फॉलो किया जा रहा है ऑलरेडी, यानी अमेरिका और इजराइल या ऐसे कई देश हैं जो विदेश में, जिनमें 3 साल 5 साल या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर वहाँ के युवा या किसी दूसरी क्षेत्र में जाने से पहले, अपना करियर बनाने से पहले, उनको उनकी जो आर्मी है या उनकी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसमें नौकरी करना अनिवार्य है। तो सेम उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भी लाने की कोशिश की जा रही है। अब इस टूर ऑफ ड्यूटी से लाभ क्या होगा, है ना। सबसे जो मेन है वो है सेना को जोशीले युवा मिलेंगे, है ना, जो देश के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो कारगिल युद्ध के समय की जो बात है उसके ऊपर जो स्टडी हुई है, उसी पे बेस्ड ये किया गया है कि हमें युवा जवान और ऑफिसर चाहिए जो अपनी जान की बाजी भी लगाने में बिल्कुल पीछे ना हटें। दूसरा, 3 साल की सैन्य सेवाओं के बाद, यानी 3 साल आप ग्रेजुएशन करने के बाद या आप 12th के बाद अगर फौज में 3 साल जाके आते हैं, तो उसके बाहर आके आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप MBA करना चाहते हैं या कोई दूसरी मास्टर डिग्री या सिविल की कोई जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे IAS PCS या कोई SSC, उस प्रकार की जॉब भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको उन जॉब में काफ़ी काम आएगा, जैसे MBA के कई कोर्सेज हैं उनमें तो डिफेंस का जो आपका एक्सपीरियंस है उसकी बहुत वैल्यू है, है ना। फिर तीसरा जो है, इसमें कॉरपोरेट कॉलेज या जो कंपनियां हैं, जो प्राइवेट जो बड़ी 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 कंपनियां जैसे महिंद्रा टाटा या कोई भी हमारे देश में जो हैं, जो रोजगार प्रदान करती हैं युवाओं को, वो भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। उनके भी कई इंटरव्यूज आ चुके हैं कि वो 3 साल जो फौज में ट्रेंड युवा होंगे उनको प्रेफरेंस देंगे, मतलब उनको उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन के लिए वहाँ पे अगर कोई रिक्रूटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा है टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। मैं दोबारा आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ये अभी सेना के अंदर की स्टडी है या उनके अंदर की जो है डिस्कशन चल रहा था, ये मीडिया में खबर लीक हुई और वो जो है मीडिया वालों ने इसका हवा बनाकर 3 साल की भर्ती स्टार्ट होगी ये वो सब जो है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। अभी इसमें टाइम लग सकता है। दूसरी चीज़, जो आपकी रेगुलर भर्तियाँ होनी है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। हो सकता है थोड़ी बहुत वैकेंसी कम हो जाए, थोड़ी बहुत, वो भी मैं बता रहा हूँ 1-2% तक, उससे भी कम, क्योंकि
जो रेगुलर आर्मी है उसकी तो रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहेगी, है ना। 3 साल तो ये सिर्फ एक युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो भारतीय सेना को अच्छे से जान सके, भारतीय सेना को उसके उससे काफ़ी फायदे उन युवाओं से, तो ये सब मिला जुला एक कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अभी आप उसकी उम्मीद भी ना करो कि अभी रिक्रूटमेंट आ जाएगा, आज ही मैं अप्लाई कर दूंगा। तीसरा, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो भी सेम ऐसे ही होगा जैसे अपना रेगुलर आर्मी में होता है, कि यानी फिजिकल टेस्ट भी आपका पूरे अच्छे तरीके से लिया जाएगा, फिर आपका मेडिकल भी जांच होगी और रिटन टेस्ट भी आपका प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। क्योंकि 3 साल के रखेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंगे, यानी जिसमें दम है वो भारतीय सेना में पहुंच पाएगा। तो किसी प्रकार की नाउम्मीदी या कोई भी आपके दिमाग में ऐसा ना रखें, आप अपनी रेगुलर आर्मी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसको बनाए रखें। जो 3 साल के लिए अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं 3 साल फौज में करके आऊँगा और बाहर आके मैंने कोई दूसरी जॉब करनी है, तो वो एक ऑप्शन आपके लिए एड ऑन हो जाएगा, यानी वो दोबारा एक आपके लिए आ सकता है ऐसा ऑप्शन। तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। बाकी इससे संबंधित कोई भी अन्य जानकारी या कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको वीडियो के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर लगा के समझा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।